का सबसे हाईएस्ट रोड 19,000 कुछ फीट के ऊपर है वो, पहाड़ से उतर रहे हैं वहाँ से और उधर जा रहे हैं हानले की साइड। माउंटेन ड्यू का हेड देखा ना गाइस, माउंटेन ड्यू टर्की। अभी भी फिलहाल हानले में है, हानले से जा रहे हैं उमलिंगला और मैं बैठा हूँ बेनेली पे और राकेश है हिमालयन पे, क्योंकि भाई अपनी बाइक का पीछे का ब्रेक फेल हो चुका है तो रिस्क नहीं लेने का नहीं, और बाइक का ब्रेक मनाली जाके ही सेट होगा, उससे पहले सेट नहीं हो सकता, तो अपन प्लेन बन के जा रहे हैं अपनी दूसरी बाइक पे, देखते हैं कैसा रहता है। पहाड़ी देख सकते हो, इससे भयंकर भयंकर पीछे निकाल के आ चुके हैं और यहाँ पे रुके हैं हमारे साथ में जो बंदे हैं उनके लिए। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है अभी? बहुत ही कष्टदायक है गाड़ी को बहुत परेशानी हो रही है ऊपर चढ़ने में। अरे भाई अभी तो वहाँ सामने जाना है ना, उमलिंगला वहाँ पे है, इतना पास नहीं है, पर भाई बहुत जोर आ रहा है गाड़ी को। सामने ये जो पहाड़ी है ना इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यू टर्न जो है ना बहुत भयंकर लेवल का है। उमलिंगला बहुत दूर है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ग्लव्स लेने पड़ेंगे। उमलिंगला और यहाँ की हाइट है 19,024 फीट। एक बाइक आ चुकी है, दूसरी बाइक पीछे है। सबसे बड़ी इसके लिए फिर हो गया लगाते हैं बाइक वगैरह सब वगैरह ले लेते हैं, चढ़ चुके हैं। हमें तो भाई देखो अभी तक यहाँ पे फील नहीं हो रहा है ऑक्सीजन वगैरह का कोई प्रॉब्लम, बाकी देखते हैं कितनी देर रुकते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आ रहा है, आना ही चाहिए, मज़ा तो आना ही चाहिए। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड 19,000 कुछ फीट के ऊपर है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड, और रोड काफ़ी अच्छा है। खुले में सुसु विसर्जन, अरे चचा कोई नहीं हम भी करके आते हैं, सबसे ऊंची जगह पे सुसु करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा मेरे गांव से। क्या ही प्यारा है अभी, रोकू क्या? देख लो कैसा बोलेगा, पहुंच तो वैसे भी जाएंगे अपन। भाई काफी भयंकर है, कहीं कहीं तो गाइस इतना भयंकर ऑफ रोड है उतरना पड़ रहा है, यूं पहाड़ से उतर रहे हैं वहां से और उधर जा रहे हैं हानले की साइड। कोई नहीं सुसु उसु कर लेते हैं भाई, पानी पीना तो पी लो, इधर लगा लो, अरे लगेगा लगा लो आराम से। माउंटेन ड्यू का हेड देखा ना गाइस, माउंटेन ड्यू टर्की वही हो रहा है, एक्सट्रीम ऑफ रोड ले रहे हैं, भयंकर लेवल का, सच में मज़ा आ रहा है यार। एक साइड से बजरंग बली को याद कर रहे हैं, एक साइड से बाइक निकाल रहे हैं। भाई जो लोग सोचते हैं ना बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। हाँ ओके, इतना इजी नहीं है। बेनेली है 500 ऑफ रोडर बाइक है, फिर भी भाई यहाँ पे दशा हो रखी है उसकी। सामने हानले है, हम उमलिंगला करके आ चुके हैं और वापस जा रहे हैं। हानले शॉर्टकट लिया था, पर बोलते ना यहाँ पे पीछे का ब्रेक बहुत बहुत गर्म हो गया था, ये लो ब्रेक यूज कर लो, ठीक है। रोड काफी अच्छा है लेकिन वो दूसरा वाला है उस पर तो भाई चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने सोचा ये ऑफ रोड ले लेते हैं। ऑफ रोड ठीक है वैसे, लेकिन हमने क्या डायरेक्ट उतार दी पहाड़ में से, 4-5 किलोमीटर आगे से घूम के आते तो ठीक रहता, हमने डायरेक्ट उतार दी। अभी देख सकते हो आराम से जा रहे हैं, वहां से हम बैठेंगे वापस। तो भाई ये वाला व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा अलग लेवल का है, पैदल चल रहा हूँ क्योंकि पीछे का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, अभी पानी वानी डाला है, ख़त्म किया है पानी, होटल पहुँच के फिर कंप्लीट करते हैं इस व्लॉग को, तब तक के लिए मजे लो सीनरीज के। क्या ही भयंकर लेवल का कर रहे हैं, अरे एक साइड से आत्मा बाहर आ रखी है, ऊपर से परमात्मा को याद कर रहे हैं।
देखो इतनी मेहनत करके आए कि पसर गए यहाँ पे। क्या कर रहे हो जी? आराम। ये कौन सा आराम भाई, इतनी बड़ी टेबले पड़ी है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड का ऐसे आप एंजॉयमेंट हो रहा है। सही है सही है। तो भाई वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ चुके थे, गोप्रो में कई जगह माइक का अगली चौक चुका था और ये लिया था हमने होटल। अभी भाई ये वाले ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बाकी भाई कुछ भी होगा लास्ट में एक वीडियो अलग से बना लूँगा कहाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, यहाँ से निकलते हैं वापस आगे के लिए। सांस फूल रहा है पता नहीं क्यों, पर काफ़ी हार्ड है और काफ़ी मज़ेदार है। तो भाई जिसने वीडियो यहाँ तक देख लिया कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।